यस, प्लेस्टेशन 5 प्रो ऑफिशियली हो गया है अनाउंस, और सबसे पहले तो इसकी प्राइस है $700, जिसको लेकर ऑलरेडी अपसेट हैं काफी गेमर्स, स्पेशली दोज हु आर आउटसाइड ऑफ यूएसए। और इसके साथ जो वर्टिकल डिस्प्ले स्टैंड है वो अलग से खरीदना पड़ेगा, एंड दिस इज एन ऑल डिजिटल रिलीज बाय स्टैंडर्ड। डिस्क ड्राइव भी आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, मतलब एक बार फिर से सोनी अपनी वही प्लेस्टेशन 3 वाली एरोगेंस दिखा रहे हैं। अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो इट विल बी कमिंग आउट ऑन द 7th of November 2024। ऑल्सो इसके अंदर लगी होगी 2 TB SSD। हाय, दिस इज बंटू केज, और आज की इस वीडियो में हम एक क्विक रीकैप करेंगे प्लेस्टेशन 5 प्रो की अनाउंसमेंट का, और अपनी थोड़ी सी थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। जो किस किस्म की कटिंग, फ्रेश किस्म की बेयर ट्रिम के बाद भाई आपका आ गया है वापस। आई एम फीलिंग गुड, लेट्स किक थिंग्स ऑफ। मार्क सर्नी लीड आर्किटेक्ट कल अपीयर हुए एक 9 मिनट्स लॉन्ग लाइव वीडियो में, जहां उनका मेन फोकस रहा ये बताना कि करंट प्लेस्टेशन 5 हार्डवेयर में प्लेयर्स के पास दो चॉइसेस रहती हैं, फिडेलिटी मोड या परफॉर्मेंस मोड। और इस सिचुएशन में मोस्ट गेमर्स परफॉर्मेंस मोड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज सीइंग 60 FPS ऑन कॉन्सोल्स वॉज अ बिग थिंग ऑन इट्स ओन। तो इसी मोड पर प्रेफर्ड वे है खेलने को, और यही डिजायर्ड भी रहता है, एंड दस PS5 प्रो बिकेम अ थिंग। अब बात करते हैं क्या कुछ डिफरेंट है PS5 प्रो में। शुरू में ही बता दूं ये सारी ऑफरिंग्स और ऑल्टरेशंस एनहांसमेंट्स टेक्निकल हैं, डोंट एक्सपेक्ट अ न्यू इटरेशन के साथ न्यू गेम्स भी रिवील हुई होंगी, उतने अच्छे दिन अब नहीं रहे। दिखाई इन्होंने वही पुरानी गेमें हैं, और एक दो न्यू जो अनाउंस्ड हैं जो भी आनी है उनको शो कर दिया एज एनहांस्ड फॉर द PS5 प्रो। सो प्लेस्टेशन 5 प्रो के अंदर 3 मेजर हाईलाइटेड एरिया ऑफ इफेक्ट में है लार्जर GPU, एडवांस्ड रे ट्रेसिंग एंड AI ड्रिवन अपस्केलिंग। GPU हैज 67% मोर कंप्यूट यूनिट्स एंड 28% मोर फास्टर रैम, साथ में अप 45% faster rendering. Ray tracing speeds bhi quadrupled hain when it comes to PS5 Pro as per Sony's Mark Cerny himself. Aur ab AI driven custom hardware bhi deploy ki gayi hai jo games ko khud se extra pixels add karke upscale enhanced kar degi, jisko naam diya hai PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution. Aur PSSR se mujhe yaad aata hai Series X ke velocity architectural wale days, jab ye feature announce hua tha, and eventually when the Series X came out humne purani games ko us pe khela tha, test किया था, तो वाकई एक मजेदार चीज थी। बैक टू द PS5 प्रो, ये तमाम न्यू अपग्रेड्स ऑन डिस्प्ले आप देख सकेंगे इन गेम्स लाइक मार्वल स्पाइडरमैन 2, रेचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट, असैसिन्स क्रीड शैडोज जो अभी आनी है, क्योंकि यूबीसॉफ्ट कैसे पीछे रह सकता है, उन्होंने तो हर चीज का हिस्सा बनना है। एलन वेक 2, डीमन सोल्स, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ड्रैगन्स डॉगमा 2, फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ, हॉगवर्ट्स लेगेसी, ग्रैंड टूरिज्मो 7, द क्रू मोटरफेस्ट, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रीमास्टर। वही ट्रेंड एक दफा फिर से आपको देखने को मिला है, पुरानी गेम्स को PS4 पर आई हुई कुछ गेम्स को रगड़ रगड़ के अभी भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जी ये आप अब थोड़ी और बेहतर विजुअल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगेन आई फील लाइक कोर ऑडियंस पर इन सटल टेक्निकल एनहांसमेंट्स का फर्क नहीं पड़ सकता, उनकी अटेंशन को आप इस सबसे ग्रैब नहीं कर सकते। सो द बिग क्वेश्चन इज, डज PS5 प्रो अफेक्ट यू एंड शुड यू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? इन ऑल ऑनेस्टी मेरी फीडबैक तो मिक्स्ड है, और ऐसे चेंजेस को लेकर आई फील लाइक कोर जनरल ऑडियंस को ज्यादा परवाह नहीं हो सकती। आई मीन PS5 की शिपमेंट्स को अगर हम देखें तो वो 59.3 मिलियन पर हैं। यू रियली थिंक कि इतने लोगों को फर्क पड़ेगा कि मेरी गेम अपस्केल हो जाए, बिल्कुल हल्की सी बेहतर दिखे? अभी वो क्राउड भी निकल आएगा कि जी GTA 6 तो सिर्फ PS5 प्रो पर चल सकेगी, रॉकस्टार भी जाहिल नहीं है ना, हम सब जाहिल है कि वो सीरीज एक्स एस, स्टैंडर्ड PS5, स्टैंडर्ड PS5 स्लिम को भूल जाएंगे और अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे, ऐसा कख भी नहीं होना। इट्स जस्ट दैट मिड जेन रिलीजेस सिंस One have become imminent from Sony, just like the PS4 Pro. और Sony ने वो कर दिया eventually. अब Xbox भी कुछ शायद ऐसा करेंगे, competition में भी शायद आपको कोई ना कोई ऐसी हलचल या movement या एटलीस्ट rumor मिल तो तगड़ी किस्म की सुनने को मिलेगी। इस presentation में हमें जो कुछ भी दिखाया गया है, जितने side by side इन games comparisons किए गए हैं, like Spider-Man, Ratchet and Clank, further up in the distance में zoom करके environmental emphasis भी रहा काफी। For a gamer like me, I really don't think मेरे लिए कोई deal maker या मस्ट हैव सिनेरियो बन रहा है, एज स्टैंडर्ड हार्डवेयर भी बेहतरीन है और उसने ऐसे ही चलना है। हम जितना मर्जी ढोल पीट लें, एज ऑफ नाउ आई वुड इवन से एंड इट माइट कम ऑफ एज अ सरप्राइज, 4K भी उतना नॉर्मलाइज नहीं हुआ जितना हम गेमर लोगों से समझ बैठे हैं। आई नो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड वेंडर्स जिन्होंने PS5 खरीदे हैं, बेचे हैं, सेटअप्स दिए हैं, मैक्स डिस्प्लेज आज भी अराउंड अस इन पाकिस्तान, अब इंडिया का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 1440p पर बड़ी हद तक बात चल रही है। सो 4K को जितना हमने जबरदस्त किस्म का नॉर्म बना बैठे हैं, समझ बैठे हैं, अभी वो भी उतना प्रॉपरली
बिकॉज भाई पैसे लगते हैं, 4K को मुफ्त थोड़ी मिल रहा होता है। ऑल्सो पूरी प्रेजेंटेशन की अगेन साइड बाय साइड कंपैरिजंस जो हमें देखने को मिले हैं वो श्योरली मार्क सरनी के पॉइंट्स को तो दे डू मेक देम अप, बट ऑल द चेंजेस एंड एनहांसमेंट्स अगेन आर एक्सट्रीमली सटल, वेरी लाइट। हर चीज को जो जूम इन किया हुआ है, फोकस में लाया गया है, इट्स द काइंड ऑफ चेंज जो ह्यूमन आई और गेमर्स एट अ क्विक ग्लैंस इजीली नोटिस नहीं कर पाएंगे। ओनली द एंथुसियास्ट, द टेक सेंट्रिक ऑडियंस जिनका काम ही कुछ ऐसा डीप डाइव्स करना है, वो मे बी इस चीज को समझें और इसको एक्सप्लोर करें, बट मुझे तो ऑनेस्टली कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैं उनमें से हूँ जिनका मेन काम ही ब्रेड एंड बटर ही वीडियो गेम्स की लाइन ऑफ वर्क से है। जॉब्स भी उन पर डिपेंडेंट है, कॉन्टेंट भी उन पर डिपेंडेंट है, लाइन ऑफ वर्क और जिंदगी का चलना भी उन पर डिपेंडेंट है। So even a guy like me says के क्या ही फर्क पड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर हम डिजाइन वाइज बात करें तो एक लाइन की जगह अब 3 लाइंस है। वाह, मैं कहता हूं डिजाइनर को बंदा एनु इनाम दे, एनु पुट्ठा करके इनाम दे, एज इन गिफ्ट को उल्टा करके पकड़ा देंगे, गंदी बात नहीं मैं कह रहा। एंड इट कैरीज ऑन द एसेंस एंड फील ऑफ द प्लेस्टेशन 5 स्लिम। बेसिकली इट्स अ फैंसियर PS5 स्लिम कम चीजों के साथ, ना स्टैंड ना डिस्क ड्राइव, बस अगर कुछ है तो वो 2 TB SSD लगी होगी विच इज प्रीटी कूल एंड एस्ट्रोस प्ले रूम इज प्री इंस्टॉल्ड। मैं इस वीडियो को इस सब कुछ कहने के बाद रखूंगा शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट, बाकी यूट्यूबर्स की तरह आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके इसे 20-22 मिनट का नहीं करूंगा, ताकि आपका कीमती वक्त भी जाया ना हो और जो मेन इन्फो है, जो मेन स्कूप है, वो आप तक पहुंच जाए। आपकी क्या थॉट्स हैं इस पूरी सिचुएशन पे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द PS5 प्रो? विल यू बी गेटिंग इट? विल यू बी स्किपिंग इट? आई वांट टू नो इट ऑल इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और अगली वीडियो इंशाल्लाह होगी लाजमी वॉरहैमर 40K स्पेस मरीन 2 का रिव्यू, तो जरूर वो देखिएगा। और एस्ट्रोबॉट के रिव्यू पर भी मैं काम कर रहा हूं, तो ये दो वीडियोस जल्द आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, अपना खूब ख्याल रखें, अंटिल नेक्स्ट टाइम।